फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत दिनों बाद इस चैनल पर आया हूँ तो आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। अभी साल ये ख़त्म होने वाला है, आज 21 दिसंबर है, अभी शाम हो गई है, लगभग 6:30 बज रहे हैं और हम लोग इस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में इस समय ये वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत पीछे आपको दिख भी रहा होगा, ये बहुत सुंदर सा मंदिर है और यहाँ पर अभी भी काफ़ी भीड़ है, इतनी ठंडी में भी तो ठंडी काफ़ी है। तो आप अभी जो कुछ नीरज सर कह रहे हैं, नीरज सर कुछ नहीं कह रहे, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग सर से था पूछिए कितने दिन सर कहाँ थे। क्या था कि थोड़ी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम भी थी और पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी काउंसलिंग के समय, तो उसी को आगे बढ़ा रहे थे फिलहाल। सॉरी, दूसरी बात नहीं है। एक्चुअली आज अभी दोपहर में एक वीडियो गया, प्लीज आप उस वीडियो को देखिएगा। मैं और अखिल उस वीडियो को काफी मस्ती में शूट किए हैं। तो एक्चुअली आज लास्ट डे है ऑफ द ईयर, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सोच रहे हैं मसमल्दी मैं नहीं अखिल भी, और अभी इसको एक्साइटेड कर देंगे, अभी थोड़ा परेशान मत हो। तो मैं उस वीडियो में बोला था कि मनोज सर काफी मोटिवेटेड है, आपको लग भी रहा होगा काफी मोटिवेटेड है, क्योंकि अभी भी हम लोग का मूड वही है, लेकिन अभी भी ये पूरा मोटिवेशन की दुनिया में डूबे हुए हैं। चेहरे पर नूरी दिख रहा है, नूरी दिख रहा है, नूरी है, नूरी है, मोटिवेटेड। खैर आज दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, इन दोनों का जो नजरिया चश्मा लगा कर देख रहे हैं ना, तो इसीलिए इस चश्मे से नूर ज्यादा दिखता है। एक्चुअली नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे चश्मे का तो डंडी भी टूटा हुआ है 19 में पूरा है, मैंने पूरा डंडी पूरा एक डंडी चश्मे पूरा बिता दिया अपना 2019। तो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं कि कुछ बोलना सब्सक्राइबरों के लिए। हम आपको यही चाह रहे थे कि आप लोगों को कुछ दुआ दें और उनसे पूछें क्या खैरियत है। और यही दोस्तों कि आप सभी लोग आई थिंक 2020 में बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। फिलहाल जिनकी प्रिपरेशन अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई या जो अभी नया नया शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि पुराने जो भी अपीयर आपके लाइफ में कोई फेलियर रहा है तो उसको भूल जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। नया साल है, नए साल को इस तरह से लीजिए कि जो भी आपकी निगेटिव चीज़ें हैं उनको आप धीरे धीरे स्किप करने की कोशिश कीजिए और अपने आप में थोड़ा सा मोटिवेशन लाइए। देखिए, बाहर से कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है, वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जो आपके अंदर से मोटिवेशन आता है ना, वो हमेशा रहता है, वही आपको आगे ले जाता है और आपको लक्ष्य भी आपका दिलाता है। तो आप ये काम करिए कि निगेटिविटी को पूरी तरह से त्याग दीजिए, क्योंकि ये जो होती है ना, आपको हमेशा चाहे जितना आपके टैलेंट होगा, लेकिन वो आपके टैलेंट को अंदर से ही अंदर खत्म करती रहती है। तो आपको पहली चीज जो अपनी निगेटिविटी को हटाइए, अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको अपने स्ट्रेंथ को और मजबूत कीजिए, ताकि देखिए वो आपका प्लस पॉइंट होता है। जो भी आपके लाइफ की सक्सेस होती है ना, वो आपको अपने स्ट्रेंथ पर ही मिलकर मिलेगी आगे। तो आपके अंदर एक मोटिव होगा कोई ना कोई, जिसके कारण आप बीएचयू जाना आना चाहते हैं, तो उस मोटिव को हमेशा अपने ध्यान में रखिए। कुछ भटकाव होते हैं, उनसे आप दूर रहिए। देखिए, युवावस्था है, सोशल मीडिया का क्रेज चल रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जाते क्या हैं, हम जाते हैं वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड सर्च करने, लेकिन इतना अच्छा अच्छा उसमें थंबनेल बनाकर दे दिया जाता है ना, कि हम उसी में भ्रमित हो जाते हैं। वीडियो को एक बार ओपन कर लेते हैं तो स्किप नहीं कर पाते, फिर उसी में अटक जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मेरा मेन गोल क्या था, हम क्यों आए थे इस सर्च इंजन पर, क्या हमें खोजना था। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए और अभी अब बहुत टाइम है बीएचयू एंट्रेंस में, जो भी एग्जाम यहाँ के होंगे या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अभी से अपना टारगेट निर्धारित कर लीजिए कि मुझे इतने समय में ये करना है। और एक चीज़, आप स्ट्रेटजी बनाकर करिए कोई भी चीज़। अगर आप किसी भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, बिना स्ट्रेटजी की सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इवन मिलता ही नहीं है। और लोग कहते हैं हम फेल हो गए इस एग्जाम में, एक्चुअली वो फेलियर इसी कारण आता है कि आप एक स्ट्रेटजी, एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास नहीं थी और आप ऐसे नाव को इधर उधर समुंदर में घुमाते जा रहे थे। आपको ये नहीं पता था कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ तक जाना है, किस स्पीड में जाना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। आगे नीरज सर करेंगे, नहीं तो मैं बोलना चाहूँगा पहले। तो सबसे पहले कि ये कि आज भी सर का उतना ही भाई जो मोटिवेशन है वो सुनने को मिला, मैं खुद ही बहुत इंस्पायर होता हूँ मनोज से कि कभी भी हम लोग के लाइफ में कुछ इधर उधर होता है तो मैं तो पहले मनोज को ही सोचता हूँ, कॉल करके पूछूँ यार क्या करना है। तो रियली में यही है कि मनोज काफ़ी मोटिवेटेड लड़का है, हमने इसके पहले वीडियो में भी बोला, मैं इसको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा
हम लोग 19 में हम लोग कब एडमिशन लिए 18 में 18 में ऑफ कोर्स हम लोग दो साल से थोड़ा सा कम हम लोग एक साथ टाइम अपना दे चुके हैं। जो वीडियो बना रहे हैं वो कश्यप नाम है इनका, हम लोग इनका भी नाम लिए थे पिछले वीडियो में। तो कश्यप भी हम लोग के ग्रुप में काफ़ी चंचल लड़का है और काफ़ी क्यूट है, इसको लोग बड़ा प्यार करते हैं। और मोटिवेशन तो जो भी बोला सच में एग्जैक्टली आपको फॉलो करना चाहिए, और जो भी बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, आप अपना बेस्ट दीजिए वहाँ पे। जैसा भी हो एग्जाम के टाइम बहुत हैप्पी मूड में जाइएगा, और खैर उसके लिए हम आगे बात करेंगे। आज हम लोग का पूरा मूड यही था कि लास्ट डे है और लास्ट डे में आप थोड़ा एनालिसिस करें बैठ के। अब आने वाले 6 घंटे के पहले आप कुछ ऐसा सोचे, दिमाग में लाएं क्या आपने इस साल क्या ऐसा फील किया है जो आपको 20 में करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर थोड़ा मस्ती यही है कि एक लड़के से मैंने पूछा कि भाई अभी हॉस्टल से हम लोग आ रहे हैं, तो पूछा कि भाई तुम कोई ऐसा चीज़ बताओ जो तुमने लॉस किया हो 2019 में और तुम्हें गम या खुशी जो भी हो। तो बोला कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहा ऐसा क्या, तुमने खोने से किसको खुशी मिलती? उसने बोला मुझे कुछ ऐसा खोया है जिससे बहुत खुशी हूँ। मैं कहा क्या बात है? तो बोला मैं अपना 5 किलो वेट खोया है, वो काफ़ी मोटा था तो मुझे बड़ा काफ़ी अच्छा है। क्या पॉजिटिव नहीं है सर, लोग कहाँ कहाँ परेशान है। अब अखिल का ही देख लो, लास्ट के 5 डेज से सो वरीड, हमने बहुत कोऑपरेट किया। अखिल आज स्माइल कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे आप? अरे has been cleared by both of these guys, right? No, and देखो एक ही बात मैं बोलूँगा कि लाइक लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन डाउन आते हैं। बोल सकते हैं बोल रहा हूँ यार, बोलने तो मुझे बोलने तो बोल। अच्छा मैं क्या कह रहा था, अच्छा मेरे सकर पे मत जाओ आप, पहली चीज सीरियसली बात बोलता हूँ, तुम समझो मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूँ कि देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और खासतौर से जब हम इन अ फील्ड ऑफ एजुकेशन होते हैं और हम स्टूडेंट होते हैं, तो सिंस एवरी डे लाइक हर दिन कुछ ना कुछ टफनेस आती है हमारी हमारी ज़िंदगी में। बट द फैक्ट इज़ दैट कि रियल एजुकेशन यही है कि आप सिर्फ पढ़ाई ना करें, उसके साथ साथ जो आपके साथ प्रॉब्लम्स आते हैं उसको भी टैकल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उस टैकल को टैकल करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत ही सिंपल चीज़ ये है कि यू हैव टू बी द स्ट्रेटेजिक अ पर्सन हु हैड अ स्ट्रेटजी। जैसे कि मनोज ने भी बताया कि चीज़ों को स्ट्रेटजी बना करके करो, तो बेसिकली हाँ, और इन्होंने सही कहा और मैं इस बात से तारुफ भी करता हूँ कि जो इन्होंने फरमाया वो वाकई काबिल तारीफ है। और मैं हर एक स्टूडेंट जो कि आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहता है, आई जस्ट वॉन्ट हिम, इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, या फिर बड़े भाई बोल रहा है या फिर कुछ भी एज अ फ्रेंड जो भी है, प्लीज़ हैव अ स्ट्रेटजी ऑफ वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग, ठीक है, और पूरी तरह से फोकस होने का यही एक तरीका है। सो दिस आर द काइंड वर्ड्स विच आई एम गिविंग यू ऑन दैट ईव दैट। एंड जहाँ तक बात करें 2019, तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल ईयर, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हो ना, बहुत सारी इमोशंस जुड़े, लाइक पहले खुश हो गया, फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया, फिर उसके बाद कुछ दुखी हो गया, फिर सब खत्म हो गया, फिर मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ सही हो रहा है, पर वो मुझे पता लगा कि सारा भ्रम है। फिर उसके बाद मैं फिर से अभी लाइक ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पटरी पे फिर आ रही है, एंड आई एम हैप्पी विद गेटिंग माई सेल्फ, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टडी गोइंग ऑन, एंड आई एम वेरी हैप्पी, लाइक सो मेनी डेज आई वॉज मिसिंग बोथ ऑफ गाइज, लाइक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट देखो पूरा मोटिवेशन मत डालो, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, गिव मी सम टू गिव मी वन मिनट, लाइक द मैन हु इज जस्ट शूटिंग दिस वीडियो हिज नेम इज कश्यप, कश्यप लाइक ही इज द बेस्ट, राइट, यू नो द पर्सन हु हैड एवरीथिंग, हर चीजों का एक समस्या का समाधान, और एक तरीके से कह सकता हूं कि हर लोगों के लिए एक समस्या भी वही है, समस्या भी वही है यार, कुछ लोग बहुत डर कर रहते हैं BHU में, या फिर कहीं भी एक वर्ड आती है कपल, तो कपल के लिए ही इज लाइक अ दुशासन। एक्चुअली अखिल के घर में आग लगाया है, छोड़ मेरे घर में, सॉरी सॉरी, मैं कुछ 19 के लिए बोलूंगा एक्चुअली, तो मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं, सबको बोलना ही है यार, ठीक है चलो ऐड करो, गिव मी सम 2 मिनट्स और ठीक है। इन्होंने जो एक इंपॉर्टेंट बात कही है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, और इन्होंने जैसे अपने खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस दिया, तो बात यह है कि अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं और प्रॉब्लम सबको होती है, तो आप ये मत सोचिए कि केवल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आई
वो फिर लाइफ में आएंगी, और अगर आप सोचे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तभी हम कुछ आगे करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज होती है ना, उनमें से लगभग 90% ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स में से ही निकलते हैं। वो कहते हैं ना कि आपका हुनर निखरता तभी है जब उसको ज़रूरत पड़ती है, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस पर उसमें आपको ये नहीं देखना है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी मैं किसी प्रिपरेशन में लगूंगा, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि अभी जुकाम हो गया है तो अच्छा सा नहीं आ रहा है फिलहाल। कुछ 19th के लिए सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने बोला प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी पूरा बात किस पे कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम्स का मेरा क्या मानना है कि पहली बात सोचना छोड़ दो प्रॉब्लम्स के ऊपर। मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स आएगा तो आप सोचोगे, लेकिन एग्जैक्टली आप उस पर पार्टिकुलर ज़्यादा टाइम ही मत दो। मैं इसको छोड़ रहा हूँ बात करूँगी तो इसका मतलब आप कहीं पकड़ के रखो उस चीज़ को, उस पर बात ही करना छोड़ दो। एग्जैक्टली आपको जिस चीज़ को फोकस करना है उस पर जाओ। और सच बता रहा हूँ, 12th क्लास या फिर जो भी 10th क्लास होता है, जो आप लोग फ्रेशर होकर आते हो, बहुत बेहतरीन क्लास होता है। मैं बहुत मिस करता हूँ अपना स्कूल टाइम, वहाँ पे बहुत लोग अभी बिछड़ेंगे और मेरा दिमाग में तो आज भी लोग याद रहते हैं, फेसेज याद रहते हैं। बाय द वे मैं इनकी जितनी भी बातें थी आप उसको फॉलो कीजिएगा, और बहुत बेहतरीन ये सब बातें खैर इन लोग के बहुत जहन से निकल के आ रही है, तो मैं समझ सकता हूँ 19th का लास्ट डे है तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो फील किया वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत कुछ फील किया है। बाय द वे मैं 19 में ये बोलूँगा कि सबसे पहले बॉर्डर पे खड़े इंडियन आर्मीज को मैं ही नहीं सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उनकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। मैं आज बनारस का कल का टेम्परेचर सुनने में आज 6-7 था, मैं भी मोबाइल में देखा तो 6 दिखा मेरे मोबाइल में लिखा हुआ था सुबह सुबह। तो मैं फील कर रहा था कि जहाँ पे 16 मैं तो मानता हूँ बस 0 हो जाता तो मेरा क्या हाल होता, वहाँ पे उन लोग भाई इतना सफ़र कर रहे हैं। तो मानना पड़ेगा मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब शुक्रगुजार हूँ और अलॉट ऑफ थैंक बॉटम ऑफ हर्ट से थैंक बोलूँगा कि भाई वो लोग आज वहाँ पे हैं तो आज हम यहाँ पे हैं। और फिर दूसरा चीज़ बोलूँगा अपने टीचर्स के लिए और कि आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने गार्जियंस को, अपने दोस्तों को, अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, और बहुत सारी आवाज़ जा रही है ना, तो और सबको मैं हार्टली थैंक्स और हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देना चाहूँगा। अब आप लोग को बोलना चाहूँगा बोल बस यही कहूँगा, जो भी लाइफ में पास था उसको पास समझ कर छोड़ दीजिए, नए वर्ष की एक नई शुरुआत कीजिए और फोकस कीजिए, जो ये टारगेट का प्रोसेस होता है ना उसको एंजॉय कीजिए। अगर सिर्फ आप टारगेट पर ध्यान देंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे। आप टारगेट का जो भी अचीव करने का प्रोसेस है ना उसको एंजॉय करिए, ये प्रोसेस हमेशा आपको लाइफ भर काम आएगा। मैं भी कुछ बोलूं इसमें, हाँ जरूर सर। वीडियो के माध्यम से मैं अपने घर वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके कारण मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ, और मैं अपने उन दोस्तों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनके कारण मेरी लाइफ इतनी खुशनुमा दिख रही है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ, गम भी बहुत आते हैं लाइफ में, वो प्रोसेस वो भी हम ही देते हैं। आप सभी को अरे यार बोल देने, आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करें। धन्यवाद। तो धन्यवाद मैं भी बोल दूं, एक्चुअली एक विश पूरी मेरी नहीं हो पा रही है। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कभी लाइफ में, और जब हम लोग अपलोडेस करते जाएंगे तो अखिल आपको एक सॉन्ग जरूर सुनाएगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा गाता है। बाय द वे आज मूड नहीं, क्या पता क्या, मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन सुना ही नहीं रहा। सो लाइक जैसे कि मनोज ने कहा कि हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, 2019 अभी 31st है और आज लगभग 5 घंटे बाद 2019 हमेशा के लिए चला जाएगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। बट एक चीज़ जो हमेशा यहाँ रहेगी वो है 2019 की यादें, और मेरे लिए वो यादों का एक बहुत बड़ा एक बॉक्स मुकाम है मेरे ज़िंदगी में और मेरे जहन में, हमेशा वो हमेशा तलबगार रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी, सभी उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लाइक थैंक यू इज़ जस्ट अ लिटिल वर्ड which I'm using for those people who give me the such importance moment for my life. वो यादें मेरे ज़िंदगी के लिए संजीवनी की तरह काम करेंगी हमेशा। जब भी मैं उदास रहूँगा उन यादों को याद करूँगा और फिर हमेशा के लिए खुश हो जाऊँगा। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, और बस इतना ही, हमेशा आपको याद करता हूँ मैं और हमेशा याद भी करता रहा हूँ। हो सकता है सेक्रेट भाई, मेरा कोई मैसेज किसी के लिए नहीं है, और मैं बस आप सभी को अगेन विश यू हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों आज का वीडियो में काफ़ी चीज़ें मुझे खुद सीखने को मिला है इन दोनों लोगों से, और खुद की लाइफ से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो यहीं पर बहुत सारी बातें बहुत हो जाती हैं, लेकिन खैर यहाँ पर स्टॉप करते हैं और एक साथ
थोड़ा लाउडली इनको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं. सो हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं. ओके, थैंक यू बाय.